प्लेन फिगर्स का एक टॉपिक छूट गया था, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ, ओनियक परतिन को क्या हो गया? ओनियक परतिन तो आज हम लोग प्लेन फिगर्स को शुरू करते हैं। प्लेन फिगर्स का पॉलीगॉन को शुरू करते हैं, ठीक है? पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स दो तरह का होता है, एक रेगुलर एंड दूसरा इरेगुलर। पॉलीगॉन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पॉलीगॉन एक ऐसा प्लेन फिगर्स जिसका मिनिमम कितना साइड होना चाहिए, मिनिमम 3 साइड, ठीक है? मिनिमम 3 साइड होगा और 3 एंगल, मिनिमम 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक प्लेन फिगर जिसका मिनिमम 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, उसको पॉलीगॉन कहा जाता है। एग्जांपल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, मिनिमम मतलब ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन हो गया। 3 से ज्यादा जितना भी हो, क्वाड्रिलेटरल जितना भी है, सब पॉलीगॉन हो गया, और उससे ज्यादा जो भी बनेगा सब पॉलीगॉन है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पॉलीगॉन को अगेन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन रेगुलर एंड अनदर इरेगुलर। आवाज नहीं आने से बता देना, आवाज का प्रॉब्लम होने से ग्रुप में टेक्स्ट करके बता देना, ये चैट बॉक्स में। रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन का डिफरेंस देखो। इन रेगुलर पॉलीगॉन जितना पॉलीगॉन बनेगा, जितना भी पॉलीगॉन बनेगा, सबका साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है? पॉलीगॉन यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन में जितना साइड्स बनेगा, साइड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल लेंथ और एंगल भी इक्वल होगा। बट यहाँ पे इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा, इसका लेंथ जो है क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा, और अंदर का इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है? इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह का ये एक ट्रायंगल बना दिया। सो ये ए बी एंड सी, यहाँ पे बी सी का लेंथ और सी ए का लेंथ बराबर होगा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और सी ए का लेंथ इक्वल होना है। अगर इक्वल हो गया देन ये अंदर का इंटरनल एंगल, ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा। सो सच प्लेन फिगर्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है? सच प्लेन फिगर्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, वेयर एज इन इरेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे इसका लेंथ इक्वल नहीं होगा, एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा, इस तरह से। 1 मिनट, यहाँ पे देख रहा होगा जो फर्स्ट वाला ए बी सी एंड डी, यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए, यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है? और जब भी एक साइड्स के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी लाइन बनने के बाद, उसके बाद जो टर्न लेगा वो जिस डायरेक्शन में लिया है उसी डायरेक्शन में हमेशा लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए से बी गया, देन ये लेफ्ट टर्न लिया है ना, ऊपर की तरफ लिया, लेफ्ट टर्न लिया, एंड देन बी से सी गया, एंड देन यहाँ भी टर्न लिया तो लेफ्ट की तरफ टर्न लिया। सो इस तरह का होना है एक रेगुलर पॉलीगॉन। बट यहाँ पे देखना, ए से बी गया, लेफ्ट टर्न लिया, और ये बी से सी गया, लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन यहाँ पे डी के बाद इसने राइट टर्न ले ली। इस तरह से ऐसा नहीं होना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे टर्न लेना है। सो ये हो गया बेसिक डिफरेंसेस दोनों का, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन का। हमारा सिलेबस में
सिर्फ रेगुलर पॉलीगोन है, ठीक है, हमारा सिलेबस में सिर्फ रेगुलर पॉलीगोन है। सो रेगुलर पॉलीगोन का बहुत सारा टाइप्स है, एक एक करके ये वाला एग्जाम में बहुत आता है, इसको आप याद कर लो। पॉलीगोन का नाम, नेम ऑफ पॉलीगोन और उसका नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। सीरियल नंबर भी दे देते हैं। फर्स्ट में जब पॉलीगोन का साइड्स 3 हो जाए उसका नाम क्या होगा, एनी आइडिया? हाँ क्या होगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल में, ट्रायंगल में हमने बहुत सारा टाइप्स किया था। ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल्स रेगुलर पॉलीगोन नहीं होगा, ठीक है। ट्रायंगल्स पॉलीगोन है लेकिन रेगुलर पॉलीगोन में सभी नहीं आएगा, सभी ट्रायंगल्स नहीं आएगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? पॉलीगोन का डेफिनेशन थोड़ा पहले बताया, पॉलीगोन का डेफिनेशन, रेगुलर पॉलीगोन का डेफिनेशन थोड़ा पहले बताया। इक्वल लेंथ होना है और इक्वल एंगल होना है। ये कौन सा? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वेरी गुड। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल्स में से है, ट्रायंगल को हमने बहुत सारा किया, उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, इसका नाम लिख लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? 3। और नेक्स्ट में नंबर ऑफ साइड्स 4, ये कौन सा होगा? कौन सा होगा नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 हो जाए तो उसका पॉलीगोन का नाम क्या होगा? रेगुलर पॉलीगोन का नाम कौन सा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स में से सभी क्वाड्रिलेटरल्स रेगुलर पॉलीगोन नहीं होगा, कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल्स होगा जो रेगुलर पॉलीगोन होगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हो गया एक रेगुलर पॉलीगोन, एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अगर 3 में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा? 4 के बाद 5 होने चाहिए, 5 के बाद कितना होने चाहिए? 6, एंड सो ऑन। 5 साइड्स हो जाने से उसका नाम क्या होगा? पेंटागन। पेंटागन अगर नंबर ऑफ साइड्स 6 हो जाने से उसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सागन। अगर नंबर ऑफ साइड्स 7 हो जाने से उसका नाम हेप्टागन। Now next, number of sides अगर बढ़ जाए तो, number of sides अगर 8 हो जाने से octagon। number of sides 8 हो जाने से उसका नाम octagon। next में अगर number of sides 9 हो जाने से नोनागन। अगर नंबर ऑफ साइड्स 10 हो जाने से डेकागन। अगर नंबर ऑफ साइड्स 11 हो जाने से अनडेकागन। और नंबर ऑफ साइड्स 12 हो जाने से
डुओ डेकागन, ठीक है, इतना तक याद रखो। इसके बाद हमको पता नहीं है और एग्जाम में पूछेगा भी ना, आप लोग का सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अभी नाउ, अभी नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं इसका एक एक करके, ठीक है। इसका क्वार इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, एक एक करके सबका स्क्रीनशॉट मार ले, डिटेल्स देखते, ठीक है। इसको कुछ बोल रहा है, स्क्रीनशॉट मारेगा, रुको। हां हां मार लो, पेंटागन पेंटागन पेंटागन, हो गया हो गया हो गया सर, ठीक है। नाउ एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या हमने डिस्कस किया था? फर्स्ट में हमने ट्रायंगल डिस्कस किया था। ट्रायंगल का एक करा देगा, एक करा देने से बाकी जितना है ना सबका अपने आप खुद से कर लेगा, ठीक है, सक जाएगा। सिर्फ ट्रायंगल का एक डिटेल से बता देगा कैसे करके इसका इंटरनल एंगल्स कैसे निकालना है, समेशन और इंटरनल एंगल कैसे निकालना है, एक बता देगा डिटेल से। उसके बाद बाकी रिमेनिंग पॉलीगॉन्स का आप खुद से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। सो फर्स्ट दिखा देते, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्वल लग रहा है अभी, ऑलमोस्ट लग रहा है ना? हाँ सर, यस सर। ए बी एंड सी, नाम को बाद में देते हैं। ये एंगल हो गया एक्स, ये एंगल हो गया वाई, और ये एंगल हो गया जेड, ठीक है। इतना विजिबल है ना, इतना छोटा करने से हो जाएगा, विजिबल है ना? यस सर, हाँ ठीक है। नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या निकलना है? फर्स्ट में हम लोग को टोटल इंटरनल एंगल निकलना है, ठीक है। टोटल टोटल इंटरनल एंगल, इसका अंदर में कितना एंगल्स है, टोटल इंटरनल एंगल्स में हम लोग को पता है ना कि ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर में टोटल इंटरनल एंगल्स कितना होता है, कितना होता है टोटल इंटरनल एंगल्स? 180 डिग्री होता है, ठीक है। कल परसों डिस्कस किया था 180 डिग्री होता है, वो कैसे निकला अभी बता रहा, ठीक है। ओके सर, उसके बाद ईच इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल मतलब ये एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा और z का वैल्यू कितना होगा, दैट इज ईच इंटरनल एंगल। एंड देन थर्ड में एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल मतलब ये जो ये वाला एंगल, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एक नाम दे देते हैं x y z के बाद, एक नाम दे देते हैं p दे देते हैं, इसका नाम p, आप जो भी दे सकते हैं आपका मर्जी है, ठीक है, हमने p दे दिया। एक्सटर्नल एंगल एंड देन नंबर फोर में आपको निकलना है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल का मतलब यहाँ पे ये जो पी दिखाई देना, एंगल पी दिखाई दिया, वही सेम एंगल यहाँ भी एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल, ये भी एंगल पी है और यहाँ भी एक एंगल है एंगल पी। ये जो तीनों एक्सटर्नल एंगल्स का समेशन, ये तीनों एक्सटर्नल एंगल्स को प्लस करने से कितना होगा, ठीक है, ये चारों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, दैट इज, वो फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इज
n माइनस टू इंटू 180, n माइनस टू इंटू 180 याद रहेगा, इसको हमेशा आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आगे। यहाँ पे n क्या है, n stands for number of sides, number of sides या फिर number of angle, ठीक है, number of angle भी ले सकता है या फिर number of sides। So triangle में number of sides कितना है, triangle में number of sides कितना है, three, number of sides three या फिर number of angles कितना है, number of angles three, ठीक है। So यहाँ पे n का जगह पे three put कर देना है, n का जगह पे क्या करना, three put करना triangle के लिए, triangle के लिए n का जगह पे थ्री पुट कर देना है। एंड देन आगे जब करेगा इसका नेक्स्ट जो है स्क्वायर है ना, स्क्वायर कितना साइड्स का है, फोर साइड्स का है, जब स्क्वायर का सॉल्व करेगा तो वो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ना अभी बताओ यहाँ पे एन का वैल्यू थ्री पुट कर दिया फॉर्मूला में, माइनस टू एज इट इज लिख दिया, हो गया ना, ये फॉर्मूला में हमने सिर्फ एन का वैल्यू को पुट कर दिया, n का जगह पे हमने 3 पुट कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स कितना है 3। सो इसको फर्दर सॉल्व करने से 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 इनटू एंगल्स कितना है, ये 180 है ना, हाँ इस 180। आप लोग आगे में गलती क्या कर सकता है कि यहाँ पे ये जो 180 लिखा है ना, आप जब कोरिलेटिव मतलब स्क्वायर करने लग जाएगा, स्क्वायर का ये जो सॉल्व करने लगेगा ना स्क्वायर, वहां पे आप n माइनस 2 यहाँ पे 180 का जगह पे 360 लिख देता है ना, वो 360 नहीं लिखना, ठीक है, 360 नहीं होगा क्योंकि हमेशा फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, फॉर्मूला में सिर्फ n का वैल्यू चेंज होगा। सो फॉर्मूला में ये 180 हमेशा फिक्स रहेगा सभी के लिए, इसको ध्यान देना, ये फॉर्मूला में 180 हमेशा फिक्स रहेगा, पॉलीगॉन जो भी हो फॉर्मूला में 180 का वैल्यू फिक्स रहेगा, ये 2 का वैल्यू फिक्स रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा तो ये n का वैल्यू चेंज होगा, जब n ट्रायंगल के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा, और स्क्वायर में n का वैल्यू 4 हो जाएगा, पेंटागन में n का वैल्यू 5, हेक्सागन में n का वैल्यू 6 एंड देन सो ऑन, ठीक है। यस सर। सो नाउ अभी टोटल एंगल्स कितना निकल गया, यहाँ पे x प्लस y प्लस z तीनों मिलके 180 निकल गया, अगर 180 है और ये तीनों एंगल x y एंड z इक्वल है तो ये 180 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ एंगल्स कितना है 3, नंबर ऑफ एंगल्स कितना है 3, नंबर ऑफ एंगल्स जितना है उतना से डिवाइड करना, आगे जब स्क्वायर के लिए करेगा नंबर ऑफ एंगल्स 4 हो जाएगा, वहां पे उसके लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ यहां पे हमको टोटल एंगल जो निकला है, टोटल एंगल कितना निकला था, 180 निकला था ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स कितना 3, सो इसको डिवाइड करने के बाद आपको निकल के आएगा 60 डिग्री, समझ में आया, x का वैल्यू 60 निकल के आया, z का वैल्यू भी 60 निकल के आया, और ये y का वैल्यू भी 60 निकल के आया, तीनों का वैल्यू 60 निकल के आया। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट निकलना आपको है एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल मतलब ये p, एंगल p को निकलना है। अभी आप बताओ एंगल p कैसा करके निकलेगा, एनी आइडिया कोई, एंगल p कैसा करके निकलेगा, 60 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 360 ये टोटल एंगल 360 होता है, ठीक है, ये टोटल एंगल 360 होता है। सो ये हाफ एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन का, ये लाइन का एंगल 180 होगा, ठीक है, ये ऊपर में 180 और नीचे में 180 डिग्री, इसको याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सो यहाँ पे देखो लाइन इस तरह से दिख रहा है ना, ये लाइन इसका टोटल कितना है, टोटल एंगल कितना है, 180। सो 180 में से आपका ये एंगल चला गया कितना, ये एंगल कितना हो गया 60, अभी 60 निकला ना यहाँ में, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल 60। नाउ रिमेनिंग बचा वाला कितना निकलेगा, 180, रिमेनिंग बचा वाला कितना निकलेगा, 180 में से 180 में से 60 चला गया ना, कितना हो जाएगा 120। इस तरह से निकलना, ठीक है, इस तरह से निकला जाता है, टोटल एंगल जितना है इसका एंगल, स्ट्रेट लाइन का एंगल जितना है उतना में से माइनस ये इंटरनल एंगल्स का वैल्यू जितना है। सो 180 में से हमने 60 माइनस कर दिया तो निकल गया कितना,
120. So that is 180 minus 60, which is 120 degree. ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना आया? 120. अगर 120 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा. और 180 नहीं, सिर्फ 120 हो जाएगा. हाँ, 120. और ये इसका वैल्यू भी कितना होगा? 120. सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे है? ये जो तीनों एंगल्स को सम करने का कितना आएगा? ये तीनों एंगल को प्लस करके देखो. हाँ, 120 प्लस 120 तीनों को प्लस करने से कितना आएगा? 360 आएगा. ठीक है, सो आप ऐसा करना है, आप तीनों को प्लस मत करो क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है ना. सो आप ऐसा करो, एंगल जितना आया है, एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू जितना आया है, ठीक है ना, उसमें से नंबर ऑफ एंगल्स कितना है? 1, 2, 3. टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, आप लोग को बस इतना ही निकलना है, सभी पॉलीगॉन्स का आपको इस तरह से निकलना है. फर्स्ट टोटल इंटरनल एंगल्स, अंदर का टोटल इंटरनल एंगल्स कितना है वो आपको निकालना है. एंड देन उसके बाद ईच इंटरनल एंगल, मतलब टोटल जितना निकला ये 180, उसको नंबर ऑफ एंगल्स से डिवाइड कर देना है. उसके बाद एक्सटर्नल एंगल निकालना है, ये वाला एंगल. सो 180 माइनस नंबर ऑफ एंगल, अंदर का जो इंटरनल एंगल्स, ईच इंटरनल एंगल जितना निकला है उसे माइनस कर देना है, ये निकल जाएगा. एंड देन नेक्स्ट सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल. सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल का मतलब ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो सभी को प्लस कर देना है. दैट इज नंबर ऑफ, ये जो एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू जितना आया है, इनटू नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल. पेंटागन का निकालो, पेंटागन का अभी जैसे यहाँ पे अभी ट्रायंगल का हमने जो किया था ना, ट्रायंगल को जैसे निकला है वैसे ही सेम प्रोसेस करके आप पेंटागन का निकालो. अभी पेंटागन का, ठीक है, स्क्वायर का आप लोग ये करो, होमवर्क करो. ठीक है, इसका बात क्या था? स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या क्या निकलना है. फर्स्ट टोटल इंटरनल एंगल निकलना है, उसके बाद नेक्स्ट ईच इंटरनल एंगल निकलना है, एंड देन एक्सटर्नल एंगल या फिर करिस्पोंडिंग एक्सटर्नल एंगल, उसके बाद लास्ट में जाके सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स.
निकला है, सभी निकला है? फर्स्ट का कितना आया है? टोटल इंटरनल एंगल्स कितना आया देख लो यहाँ पे, और एक बार देख लो। हाँ ठीक है, यहाँ पे पेंटागन का और एक बार देख लो किसे का निकला है। उसके बाद रिमेनिंग जितना है स्क्वायर का हो गया, हेक्सागन, हेप्टागन, रिमेनिंग का आप लोग करना है। ये लास्ट एक बता दे रहा है, ठीक है देख लो एक बार, और एक बार जिसको अच्छे से समझ में नहीं आया देख लो, और जो निकल रहा है निकालते रहो। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? फाइव। एन का वैल्यू फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस टू, टू पहले फॉर्मूला में है सो 180, फाइव माइनस टू कितना होगा? थ्री, थ्री इंटू 180, थ्री इंटू 180 इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 540, 540 डिग्री आ रहा है। ठीक है, टोटल मतलब यहाँ पे ये जो ये एंगल है ना, ये पांचों एंगल मिलके कितना आ रहा है? 540 डिग्री। ठीक है, पांचों एंगल मिलके 540 डिग्री आ रहा है। तो इच इंटरनल एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी? सर उसको अभी तक ट्राई नहीं किया है। टोटल टोटल 540 है ना, 540 को आप नंबर ऑफ एंगल्स जितना है, नंबर ऑफ एंगल्स कितना है? थ्री, थ्री नहीं, नंबर ऑफ एंगल्स फाइव से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, टोटल टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जितना निकला ये 540, उसके बाद उसको नंबर ऑफ एंगल्स से डिवाइड करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितना है? इंटरनल एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स फाइव है। ठीक है, सो फाइव से डिवाइड कर दिया, सो फाइव से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा इसको डिवाइड करके देखो। फाइव से डिवाइड करने से आपको 108 कुछ आएगा। ठीक है, 108 शायद, देख लेते हैं यहाँ पे। 540 को किससे डिवाइड करना था? फाइव से है ना, सो 51 इज हाउ मच? 18 नहीं होगा, देखो यहाँ पे देखो आप लोग का 18 आ रहा होगा, तो 18 नहीं होगा। ठीक है, आप लोग का गलती यहाँ पे हुआ है, देखो 5 into 1, 5 हो गया ना। उसके बाद अभी 4 को लेके आओ, 108 होगा सर। 4 को लेके आ जाओ, 4 अभी इसको, इसका बाद देखो यहाँ पे आप लोग का गलती यहाँ में हो रहा है। देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना आप लोग, यहाँ में क्या कर रहा है, इधर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे 5 into 1 is 5, 5 into 1 is 5, उसके बाद 5 8 जब 40 कर देते हैं, इसलिए आप लोग का सिर्फ 18 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, आप 40 को एक साथ में नहीं ले सकता है, सो पहले 4 को लेना पड़ेगा। सो 4 लेके आने से 5 से छोटा है, सो 5 का मल्टीपल क्या क्या है? 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, मतलब 4 से ज्यादा बड़ा हो रहा है, इससे छोटा वाला, इससे छोटा वाला लेना पड़ेगा। सो 5 into 0 is how much 0, सो इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ पे और एक बार देख लो, तो ये हो गया 0, और यहाँ से 4 लेके आ गया, उसके बाद 5 0 is 0 है ना, ना अभी दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करो 4 आएगा, उसके बाद अभी ये 0 को लेके आना, अभी जाके आप 5 into 8 40 लिख सकता है। आप लोग का यहाँ पे बीच में ये एक स्टेप छूट रहा है ना, इसलिए इसका कारण से आप लोग का 18 आ रहा होगा, 108 आएगा। ठीक है, 108 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो गया अंदर का एंगल 108, ये भी कितना होगा 108, सभी एंगल्स कितना हो जाएगा 108। नाउ एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा बताओ? एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एंगल हमने कैसे करके निकला था? 180, टोटल 180 माइनस ये वाला भी क्या था ना, 180 माइनस इसको कर दो कितना आएगा? 72 सर। 180 माइनस 108 करने से कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, 72 डिग्री। नाउ ये एंगल हो गया 72 डिग्री, ये भी हो गया 72 डिग्री, ये भी कितना 72, ये भी 72, एंड देन ये भी 72, मतलब 72 कितना टाइम्स है? 5 times होगा, 5 times, 1, 2, 3, 4 and 5 times, so 72 into 5 is कितना आएगा? 360 आ रहा ना। सो आप यहाँ पे एक नोटिस किया होगा, यहाँ पे नंबर 4, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स किसका? पॉलीगोन का। ठीक है, पॉलीगोन का हमेशा 360 डिग्री आएगा, कितना आएगा? हमेशा 360 आएगा, अंदर का वैल्यू चेंज होते रहेगा, अंदर का इंटरनल एंगल्स का वैल्यू समेशन और इंटरनल एंगल्स चेंज होते रहेगा, लेकिन
बाहर का जो एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू है वो हमेशा कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है? यस सर। हम लोग का एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो यहाँ पे पेंटागन, पेंटागन नाम से एक क्वेश्चन बनेगा, पेंटागन में कितना साइड्स होता है, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए 5 साइड्स, बी 4 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, इस तरह से आपको बताना है कितना है पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5। और ये भी आ सकता है कि पेंटागन का टोटल इंटरनल एंगल्स कितना होता है, टोटल इंटरनल एंगल्स कितना है 540। या पेंटागन का ईच इंटरनल एंगल, अंदर का ईच इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना है 108। और पेंटागन का एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल करस्पोंडिंग एक्सटर्नल एंगल या फिर एक्सक्लूडेड एंगल भी बोलता है इसको, और एक वर्ड यहाँ पे इसको एक्सक्लूडेड भी बोलता है, एक्सक्लूडेड एंगल भी बोलता है या फिर एक्सटर्नल करस्पोंडिंग एंगल या फिर सिंपली एक्सटर्नल एंगल। सो इसका वैल्यू कितना होगा 72। और ये सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल तो हमेशा सभी पॉलीगॉन्स का 360 डिग्री आए। ठीक है, ये था पॉलीगॉन्स का डिटेल्स। आप रिमेनिंग वाला को, रिमेनिंग जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, फोर साइड्स वाला आपने स्क्वायर को करना है, फाइव साइड्स वाला हमने करा दिया, सिक्स साइड्स वाला हेक्सागन को करना है, सेवन साइड्स वाला हेप्टागन, और ये नंबर एट साइड्स वाला को ऑक्टागन। इतना काफी है, ठीक है? आगे नहीं करने से होगा, एट तक जैसे भी कर लो, ठीक है? और जब यहाँ पे करेगा आप, ये हेक्सागन का निकाल लेगा, स्क्वायर का निकाल लेगा, ऑक्टागन का भी निकाल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकता है हेप्टागन में, क्योंकि हेप्टागन में जब आप टोटल इंटरनल एंगल्स जो निकला, उससे नंबर ऑफ एंगल्स से जब डिवाइड करेगा ना, उसका 51.4 समथिंग आएगा, मतलब 51 और 52 का बीच में, ठीक है? ऐसा डेसिमल पॉइंट में आ सकता है, इसको ध्यान देना, और बाकी रिमेनिंग तो सक जाएगा। सर ऐसे होने से कैसे उसको कर पाएगा हम लोग? हाँ नहीं, कर सकेगा, ठीक है? इसको कर सकेगा। आप लोग को कंस्ट्रक्शन करना नहीं, आप लोग को सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो सब कैलकुलेशन में आप निकाल पाएगा, ठीक है? ओके सर, आप कोशिश करके देखो, अगर नहीं होता है उनसे बता देना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतने रखते हैं। ओके सर, थैंक यू।